हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं मेरा स्काई ब्लू अपराजिता है और ये सीड है। अभी बारिश की वजह से सब भीग गए हैं, तो अगर आपके सीड भी भीग रहे हैं बारिश की वजह से तो फिर भी आप इन्हें तोड़ लीजिए, क्योंकि भीगते रहेंगे, भीगते भीगते ये अंदर इसी में ही ये सीड पॉट बन सीड सीडलिंग शुरू हो जाएगी। इसमें प्लांट निकलने लगेंगे, आपके जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इन्हें इन सीड को आप निकाल के रख ही लीजिए। आप वेट मत कीजिए कि थोड़े दिन और रुक जाऊँ तो मैं इसे तोड़ूँ, भीगे हैं सूख जाने दूँ प्लांट में, नहीं आप इन्हें निकाल लीजिए। क्योंकि ये मॉइस्चर, इन्हें बहुत अच्छे से मॉइस्चर मिला है। अभी बारिश हुई है तो हमारे यहाँ तो 17 की शाम से ही बारिश हुई है, 17, 18, आज 19 है, तो 3 दिन हो गए लगातार कंटिन्यूसली बारिश होती है, तो बहुत बुरी तरह से भीग गए सीड। तो मैं तो इन्हें तोड़ के रख ले रही हूँ और फिर फैन की इन्हें खोल करके, क्योंकि इन्हें फंगल भी लग जाएगा फिर अगर आप भीगे ही रहने देंगे। अगर आप तोड़ भी लिए हैं आपने या फिर इसी में लगे रहने, तो इनमें एक तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर दूसरा अगर आप इसी तरह से रखे रहने देंगे। देखिए ये स्काई ब्लू है, ये भीगे कैसे हो रहे हैं, फूल बहुत बुरी तरह से हो रहे हैं। तो अगर आप इन्हें ऐसे ही रख देंगे ले जाके, जैसे लेके गए और आपने ऐसे ही रख दिए, तो इनमें फंगस लग जाएगी या अंदर ही अंदर इसमें कीट लग जाएंगे। जैसे हम लोगों की मटर वगैरह में या फिर बीन्स में या छोले में कीड़े नहीं लगाते, उसी टाइप से इसमें भी लग जाएंगे। ये खा जाएंगे क्योंकि मेरे अमलतास के कुछ सीड इसी तरह से खाए थे इन्होंने, कैटरपिलर वो कीड़ों ने। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप इन्हें तोड़ के और इन्हें खोल करके और सुखा करके फंजीसाइड लगा के फिर आप स्टोर करके रख लीजिए। तो मैं इन्हें कुछ जितने भी ये सीड्स मतलब ब्राउन हो गए हैं उन्हें सभी को मैं तोड़ ले रही हूँ, क्योंकि बाद में अगर मैं ऐसे छोड़ देती हूँ तो ये बेकार हो जाएंगे और ये मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे, मिट्टी में गिरेंगे या फिर गिरने के बाद में गिरेंगे भी नहीं तो भी प्लांट पे लगे लगे ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपके यहाँ भी सीड्स पकने के लिए छोड़ रखे थे आपने, ये रेडी कर रहे थे कि हमारे सीड रेडी हो जाए तभी हम तोड़े, तो जो भी सीड रेडी हो रहे हैं, जो भी आपने छोड़ रखे थे ब्राउन हो चुके थे और भीग गए, तो अब आपने ऐसे ही तोड़ लीजिए, फिर फैन की हवा में रख के सुखा लीजिए। तो इन्हें अपने गार्डन में ज़रूर रख लीजिए। मैं छत पे आई थी चेक करने कि कहीं मेरे प्लांट्स में पानी वगैरह, प्लांटर में किसी में पानी तो नहीं भरा है, तो ये चेक करने आई थी। तो मुझे सीड दिखे, मुझे याद आया कि हाँ मैंने ये छोड़ रखे थे सीड अपने गार्डन में, कि ये पक जाएंगे या जर्मिनेशन पूरे अच्छे से रेडी हो जाएंगे तभी इन्हें तोड़ूंगी। फिर मैंने सोचा चलो तोड़ ही लेती हूँ, अब तो तैयार भी हो गए थे और भीग भी गए थे, तो मैंने सोचा चलो तोड़ ही लेती हूँ और आपको भी ये वीडियो बना के दिखा देती हूँ, छोटा सा वीडियो, जिससे कि आपको भी जानकारी रहे कि अगर ये भीगे ऐसे सीड छोड़ देंगे, सच में ऐसे ही सीड छोड़ देंगे ना, तो ये अंदर ही अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा इनमें और स्प्राउट्स निकलने हो जाएंगे शुरू, फिर भी बेकार है, आपके किसी काम का नहीं है। तो प्लीज़ फ्रेंड, कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने प्लांट्स के सीड्स को रख लीजिए और नेक्स्ट ईयर के लिए बचा के, जिससे कि आप किसी से आपसे किसी को भी आपसे मांगना हो तो आप दे भी दें, आपको भी किसी से मांगना ना पड़े सीड। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो लेके आई थी आपके लिए, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नई वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक गार्डनिंग करते रहिए और अपने सीड्स को इसी तरह से सेव करते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।